वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाली राजपूत। आज मैं आपको ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जो कि हमारे लिए एमडीयू या फिर हमारे केआरएसयू में बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छे लिए फाइल है, ठीक है। मैं एक बार इसके एजेस हैं आपको ये बता देती हूँ। किसी भी स्टूडेंट को अगर बनानी है तो ये फाइल आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे और डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो ये हमारे लिए इंडेक्स है, ठीक है। टॉपिक है 1 से लेकर 12 तक। तो ड्रामा एंड आर्ट का मीनिंग, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये बिल्कुल जो आपका सिलेबस गिवन है उसके रिस्पेक्ट में एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आर्ट की है पिक्चर लिखा सकते हैं, आर्ट इन एजुकेशन मीनिंग ऑफ आर्ट, ठीक है। आप ये इसमें से आप इसकी क्लिक कर सकते हैं वीडियो के बीच में से, आप फिर इसे जॉट डाउन कर दीजिएगा पॉइंट्स। देन टाइप्स ऑफ द आर्ट, आर्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं, सी द पिक्चर्स, ठीक है। एंड देन आर्ट का एजुकेशन में क्या मीनिंग है, तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी हमें इसे बताना है। देन लर्निंग क्या है, लर्निंग के बारे में, लर्निंग एक फन है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, बेसिक स्किल्स ऑफ द आर्ट, आर्ट के लिए क्या है बेसिक स्किल्स। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, आप इस तरीके से ये जो पिक्चर्स हैं, क्योंकि पिक्चर से काफ़ी हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव लगता है, अच्छा व्यू आएगा तो हम उसे देख सकते हैं। एंड देन हमारे एजुकेशन के रिस्पेक्ट में कौन कौन से अंडरस्टैंडिंग है, हमें क्या क्या समझना है, ठीक है, आपको ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसके बाद एकदम डिफरेंस लिखा हुआ है। सो हमें क्या है ये ब्यूटी आर्ट, गुड आर्ट और बैड आर्ट के बीच में डिफरेंसेस, आर्ट एंटरटेनमेंट के बीच में डिफरेंसेस, ये सब बताए हैं, ठीक है। सो आप पिक्चर्स की हेल्प से लिखे हैं, आप प्लीज़ इन सब का इनको नोट डाउन करना हो वो ये पॉइंट्स को कर सकते हैं। देन ड्रामा क्या है, ड्रामा का पिक्चर भी शो की गई है, ड्रामा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। देन आई होप आप सभी को विजिबल होगा क्लियरली, ठीक है, ये ड्रामा के लिए है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के एलिमेंट्स हैं फोकस, टेंशन, स्पेस, ठीक है, सिंबल, तो ये सारे हमारे ड्रामा के एलिमेंट्स हैं। इसमें मैंने हर टॉपिक, हर कंटेंट को कवर किया है। सो ये विजुअल आर्ट क्या है, विजुअल आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, विजुअल आर्ट के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। देन नाउ आर्ट के बारे में है, ठीक है, टीचिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट एंड ड्रामा की, ये हमारे सबसे ज़्यादा है, जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं उसका सिग्निफिकेंस हमारे रियल लाइफ में काफ़ी मैटर करेगा। एंड देन बेनिफिट्स हैं, वही आर्ट एंड ड्रामा के डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर में, तो ये दोबारा आपको बताया है, ये बेनिफिट्स हैं। आई होप आप सभी को फोटोज़ होंगी इसकी, आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको विजिबल होंगी, ठीक है। आर्ट के हैं तो रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ बताई है ड्रामा में, आर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, फ़ोटो आपको अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओगे। देन असेंशियल स्किल्स ऑफ ड्रामा एजुकेशन, सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रामा, तो ड्रामा के लिए जो भी हमारे सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट टॉपिक आर, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग द ड्रामा, तो यू कैन सी द कंटेंट हियर, मेन कंटेंट है, आप इसे एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं। देन ड्रामा फैसिलिटीज, स्कूल के लिए स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है, तो ये सारा इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स के अमंग में, तो हम किस तरीके से ड्रामा क्या क्या फैसिलिटेट्स करता है स्टूडेंट्स के अंदर, एक लर्निंग को एनकरेज करेगा, दिस एनहांसिंग द लर्निंग, ट्रैश आर्ट एंड ड्रामा, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा इन लर्निंग, क्योंकि हमें हर रिस्पेक्टिव में आर्ट एंड ड्रामा, हमने लर्निंग को किस तरीके से एनहांस करते हैं अपनी पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, तो उसी की इम्पोर्टेंस दोबारा बताई गई हैं डिटेल में।
आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। देन मीडिया आर्ट है, ये मीडिया है, मीडिया आर्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर टॉपिक इसमें कवर है। डेफिनेशन लिख के मीडिया आर्ट इंक्लूड्स, क्या क्या मीडिया आर्ट इंक्लूड करेगा। दिस इज़ अ सोशल मीडिया एंड देन व्हाट इज़ इन द वे ऑफ द अर्थ, ठीक है। आर्ट के कंसेप्ट इलेक्ट्रो, एक एक आर्ट को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट हैं, ठीक है, एक एक आर्ट के कंसेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ द लर्निंग फॉर एंड फ्रॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो लर्निंग विद मीडिया, क्योंकि हमें हर परस्पेक्टिव से मीडिया का टॉपिक है, तो हमने मीडिया से हम किस तरीके से आर्ट के फॉर्म में लर्न करेंगे वो भी बताया है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। एंड देन सजेशन की, सजेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अपने सजेशंस में देंगे कि आपके टीचर आपको बताएंगे कि किस टाइप से आप सजेशन दे सकते हैं। ये कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको सजेशन में हेल्प मिलेगी कि हम किस तरीके से डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम है एंड देन लर्निंग टू मीडिया, ड्रामा, म्यूज़िक, फाइन आर्ट। आप कंटेंट आराम से देखिए, ध्यान से कंटेंट देखिए। सो दिस इज़ इंडियन मीडिया एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के एलिमेंट्स हैं। म्यूज़िक नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर जर्नलाइज्ड कंसेप्ट है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। कथक, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आता है काफ़ी, कथकली, ये सब, इन सब के बारे में आप एग्ज़ाम में प्लीज़ स्टडी भी करके जाइएगा, इन सब से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये डांस फॉर्म का हमने वो भी बना दिया पिक्चर। एंड देन स्कल्पचर्स हैं, मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्कल्पचर्स, थीम्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स, ठीक है। तो दैट्स इट। लास्ट में ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, आप ये काउंटिंग के फॉर्म में इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट में इसीलिए बनाया हुआ था, फ्रूट्स के डायग्राम भी बनाए हैं। एंड देन अपने अपनी लाइफ में ये स्लोगन्स, क्योंकि हमारे आर्ट का मेन यूज़ हमारे लाइफ से होता है, तो जो भी बाकी आपके टीचर्स बोले आपको बनाने के लिए, आप उसमें बना सकते हैं। सो ये मैंने आपको कंप्लीट ड्रामा एंड आर्ट की फाइल है वो आपको दिखाई है, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको